जॉन मेरी वेनिस चर्च रिसाली भिलाई के द्वारा मदर तेरेसा के लाइट साउंड शो की एक झलक। हमारे मुख्य अतिथि माननीय आर्च बिशप स्वामी जी, जो रायपुर महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष हैं, रेवरेंड डॉक्टर विक्टर हेनरी ठाकुर बिशप स्वामी जी का हम तहदिल से तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हमारे बीच महामहिम थॉमस राजू रमन उपस्थित हैं, जो बिकार एनजीओ कैथेड्रल एसीसी से आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच सिस्टर इंचार्ज मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर सिफानी भी मौजूद हैं मदर के शो को देखने के लिए। सिस्टर, आपका और आपके सारे टीम मेंबर्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर वी के मोहम्मद, जो एसएनजीडीएस के पास प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और केरला समाज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सर, सर आपका भी स्वागत है हमारे बीच। हम स्वागत करते हैं श्रीमान दिलीप मोहंती साहब का, जो प्रेसिडेंट एचआर है जयसवाल लिको ग्रुप ऑफ कंपनीज के। सर आपका स्वागत है। और हम स्वागत करेंगे आप सभी का और अन्य अतिथि भी जो हमारे बीच थोड़ी देर में आने वाले हैं। मैं अब अनुरोध करूंगी आज बिशप स्वामी जी से कि कृपया आप सभी डिग्नेटरीज फादर बेटी आप प्लीज हेल्प करेंगे डिग्नेटरीज को लेकर। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद सभी गेस्ट से अनुरोध करेंगे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप अतिथियों का। अब मैं फादर बेटी से अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आए और वेलकम एड्रेस पेश करें। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी लाइट एंड साउंड शो का जो आज हम आयोजित कर रहे हैं उनके पीछे के सबसे बड़े ड्राइविंग फोर्स हमारे परमादरणीय रिसाली चर्च के पैरिश प्रीस्ट फादर बेटी जो हमारे पीछे अभी आ रहे हैं। आप सबों को नमस्कार। मेरे लिए एक जिम्मेदारी दी गई है, स्वागत वेलकम महाधर्माध्यक्ष महामहिम विक्टर हेनरी ठाकुर, जो आज के इस लाइव साउंड लेसर शो के मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उसके बाद उनका नाम लेने से पहले
मैं मेरे दिल में ये भावना आई कि एक मम्मी के लिए अपने सभी बच्चे वेरी वेरी स्पेशल है। इसलिए आप जिन्हें बैठे हैं, बैठी हैं, खड़े हैं, खड़ी हैं, अगल बगल में हैं, ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी स्पेशल फॉर आवर मदर। And for that matter, very, very special for Saint Mother Teresa. Guest of honor की list में सर्वप्रथम श्री ताम्रध्वज साहू जी, Honorable Minister Chhattisgarh, श्री अरुण वोरा जी, Chairman Chhattisgarh वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, श्री के सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर P&A भिलाई स्टील प्लांट, श्री देवेंद्र यादव जी, MLA भिलाल, श्री धीरज बाखलीवाल, मेयर दुर्ग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, श्री नीरज पाल, मेयर भिलाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, श्रीमती शशि सिन्हा जी, मेयर रिसाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा करता हूं। थैंक यू स्वामी जी। मदर टेरेसा किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप में से हर एक व्यक्ति मदर को जानते हैं और इसी धैर्य के साथ, कन्विक्शन के साथ मैं इस शो के आज के डायरेक्टर मिस्टर सुप्रियो सिंह को यहाँ बुलाना चाहूंगी कि वो शो के बारे में चंद शब्द आपसे कहें और तत्पश्चात शो को पेश करें। केरल में मलयालम लैंग्वेज में ये ड्रामा लिखा गया था मदर के नाम पे, पर चूंकि हमारे पास में रिसाली में फादर जॉन थे और उन्होंने इतना सुंदर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया, इतना सुंदर उन्होंने काम किया कि उन्होंने मदर टेरेसा के जीवन को जैसे कागज़ में नए सिरे से उतार दिया हो। तो जाहिर है कि इतना सुंदर उन्होंने लिखा है तो उसके बाद हमारी टीम के लिए राहें बड़ी आसान हो गई थी और हम सब ने मिलकर एक छोटी सी कोशिश की है। लाइट एंड लाइट साउंड लेजर शो का एक्चुअली जो हम लोग सोचते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो कि वो ओपन प्रोसेनियम में हो, इनफॉर्मल स्टेज में हो, ओपन प्रोसेनियम में हो, लेकिन ऑडिटोरियम में भी अब होने लगा है मौसम के कारण भी और बहुत सारे रिक्वायरमेंट के कारण, रिसोर्सेज के कारण। मैं शायद 2-3 बूंद दोस्तों से निकाल के लाने का प्रयास किया हूँ। ये मदर के जीवन का बहुत छोटा हिस्सा है, मदर का जीवन इससे और विराट है। 1 घंटा 10 मिनट, आशा करते हैं कि शायद हमने ठीक ठाक शो बनाया होगा, गलतियां होंगी तो हमें माफ करेंगे। जमाना हजार बरसों से
जैसे कि मेरे संग वैसे ही रहती है, जैसे कोई नदी किले से सटकर बहती है। मुक्तिदाता जीसस की यादें हमेशा है मेरे साथ। उन्हीं यादों को लेकर सेवा की नई गाथा लिखने आई मदर तेरेसा। यादों का किताब खुलते ही सामने आ जाती है हर तस्वीर मदर की। 26 अगस्त 1910 मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपशे। परमेश्वर के खुशी के आंसू बरसे आसमान से बायजू परिवार पर। नाम पड़ा गुंजा अग्नेस, अल्बेरियन भाषा में गुंजा यानी फूल की कली। बड़े भाई बहन के साथ पिता निकोला और मां ट्रोना, इनसे मिली धार्मिक शिक्षा। 9 साल की गुंजा का साथ छोड़ चले पिता, फिर फुरा। 12 साल की गुंजा को मिला प्रभु का आशीष। तुम्हारी हो पीड़ा बांटने, सेवा करने का विश्वास करना। आओ चलो मेरे साथ। बाद में मदर ने मुझसे कहा, ये थी ईश्वर की पुकार, बुलावा गरीबों की ओर से। मैं मिशनरी बनना चाहती थी। मेरे लिए मिशनरी का मतलब शांति प्रेम का संदेश वाहक। फिर जहाज पर चल पड़ी सुदूर भारत, मेडिटेरियन सागर, स्वेज, लाल सागर, हिंद सागर। 6 जनवरी 1929 कोलकाता। सिस्टर के मुंह से बरबस निकल पड़ा आह। अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रही हूँ बंगाल की धरती में। दार्जिलिंग में सीखी हिंदी और बांग्ला। 25 जनवरी 1931 सिस्टर की पहली प्रतिज्ञा। ये मेरे जीवन का सबसे महान दिन है। मैं दरिद्रता शुद्धता का जीवन बिताऊंगी। बच्चों को शिक्षा देने में अर्पित करूंगी खुद को। मदर ने की निजी प्रतिज्ञा, ईश्वर जो मांगेंगे अवश्य पूरा करूंगी। 10 सितंबर 1946 एक चमत्कारी रात, मदर जा रही थी रिट्रीट के लिए दार्जिलिंग। यहाँ उन्हें 8 दिन मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना करना था। महसूस हुआ गुलाम के बीच एक नया बुलावा। यीशु कह रहे हैं, मेरी नन्ही बच्ची आ, मेरे विश्वास सत्याग लड़कों को मुझे देखिए। गरीबों की झोपड़ी में वहां उनकी सेवा करो। चिंता कोई नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं। मदर समझ गए, कोई और नहीं, ईश्वर उनसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। ये ईश्वर का ही काम था। पर मदर आशंकित हो उठे। वो नहीं जानती थी
ये वो कैसे कर पाएगी, पर ना भी नहीं कहना चाहती थी। कोलकाता लौटकर अपने गुरु फादर वॉनिगसन से की इस अलौकिक अनुभव का जिक्र। फादर बोले, प्रतीक्षा करो और प्रार्थना करो। फिर 6 महीने बाद यीशु की वही पुकार, मेरी बच्ची आ, मुझे गरीबों की अभाव भरी बस्तियों में ले जाओ, मैं वहां अकेले नहीं जा सकता, मेरा प्रकाश बनो। वे मुझे नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते। मेरी अभिलाषा है अंधेरे झोपड़ी में प्रवेश करो। फिर मदर ने देखा एक दिन एक अद्भुत सपना। अनगिनत लोग कर रहे थे हाहाकार, हमें प्रभु के पास ले चलो, हमें प्रभु के पास ले चलो। फिर प्रकट हुई सपने में मदर मरियम। मदर मरियम ने कहा, तेरेसा, यीशु को गरीबों के पास ले जाओ। मदर ने छोड़ दिया लोरेटो। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में दुखों से मुक्ति पाकर जब लोग देते यीशु को धन्यवाद, मन कहता ये मकान नहीं, ईंट गाड़ी चुने का ये घर है। खिड़कियों से करुणा, दरो दीवार में जीसस, प्रेयर हॉल में लोग सपने बुनते, गलियारों में चलकर नई राह चुनते। मैं रोज देखता हजारों लोगों को अपने आंगन, वो दुखों से घिरे हुए लोग आते मुक्ति पाने, अपनी अंधी आंखों में उजाला भरने, अपने बहरे कानों से आवाज को छूने। मैंने क्या किया, ये तो उनके अंदर बैठे ईश्वर ने किया, मैंने तो विश्वास का रास्ता दिखाया जिसे भटक गए थे लोग। जो विश्वास करते हैं वो बनते हैं स्वर्ग के अधिकारी। विश्वास के सहारे ही यूसुफ और मरियम गलीलियो छोड़ पहुंचे थे बैतलहम। मसीहा आया अस्तबल में, उस रात पूरब के सितारों ने दिखाई राह। अपने शत्रु को जीसस ने तब भी क्षमा किया जब रोमन सैनिकों ने मारे कोड़े, कांटों का ताज दिया, क्रूस लिए। जीसस ने सिर्फ एक ही बात कही, इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारी मदर तेरेसा सभी दीन दुखियों की सेवा करते करते कभी नहीं थकती थी। वो कहती, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, उसने मुझे सेवा के लिए चुना है और मैं आखिरी सांस तक सेवा करती रहूँगी। और उन्होंने वैसा ही किया। 13 मार्च 1997 को सिस्टर निर्मला को बुलाकर आशीष देकर कहा, सभी महान उत्तरदायित्व
अब तुम्हारे ऊपर है। 5 सितंबर 1997 को हमारी माता संत मदर तेरेसा हम सभी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। इस दिन यानी 5 सितंबर को मानो दुनिया थम सी गई। माता की समाधि में लिखा गया यीशु का संदेश, एक दूसरे को वैसा ही प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें किया। पोप फ्रांसिस ने हमारी मदर को संत घोषित किया और कहा, मदर 20वीं शताब्दी की सबसे महान मिशनरी। फैल रहा है आज भी, हजारों लोग आते हैं प्रार्थना लेकर मदर होम में, कितने स्वस्थ होकर जाते हैं यहां से, कितनों के जीवन में आशा का संचार। जाने से पहले एक आखिरी बात कहूं, मुझे कभी नहीं लगा कि कलकत्ता के संत तेरेसा अब मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं सेवा हूं। सेवा यानी मदर, मदर यानी सेवा। हम दोनों साथ रहेंगे तब तक जब तक रहेगी दुनिया, सुनती रहेगी मसीह सुसमाचार। प्लीज आप लोग मंच पे आए, क्योंकि हम जिनकी जीवनी को देख रहे थे उनकी जीवनी को आत्मसात किया आप लोगों ने, और इतनी कठिन जर्नी है। मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि हम लोग एक घर के मेड को भी ठीक से देख नहीं पाते हैं, उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं। ये हुई आपकी जो सेवा भावना हमने मदर की देखी, उन्होंने कैसे कैसे लोगों को, असाध्य रोगियों को, तक को जिसको कोई छूना नहीं चाहता था, उनकी भी सेवा मदर ने की, और उनके यहाँ पर चलने के लिए आप लोग कृपया आप लोग मंच पे आए। जोरदार तालियां इन सिस्टर्स के लिए। धन्यवाद स्वामी जी। मदर तेरेसा जी की जीनी के संदर्भ में अभी हम सब ने एक फिल्म देखी, देखने के बाद जो मन में विचार आए हैं उसे मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, और इस बात को महसूस करता हूं कि मनुष्य का जो जीवन है वो हमारे अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के साथ न्याय करते हैं। अगर हमने अपना ही स्वार्थ देख लिया, अपने ही बारे में सोच लिया, तो हमारा इस संसार में रहना निरर्थक है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद तो सबको जाना है। तो इस बात का एहसास मुझे बैठे बैठे हुआ। मदर तेरेसा जी का नाम हिंदुस्तान के इतिहास में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि विश्व के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों से
दिखाया जाता रहेगा। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। इस फिल्म के लिए सुप्रिया सेन जी, एस मजुमदार जी, सनत दास जी एवं उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।